वेलकम डेयर स्टूडेंट्स आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर से एम सी क्यू सीरीज़ थर्ड करेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आप इन कंपेरिजन टू अ पॉइंट जीरो वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट जीरो वन मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ग्लूकोज का पॉइंट ज़ीरो वन मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और मैग्नीशियम क्लोराइड का पॉइंट जीरो वन मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना यहाँ पर डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड में ये यह हमें यहाँ कंपेयर करना है फोर जो चॉइसेस हैं आपके पास में वो क्या है कि हमारे पास में यहाँ जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो सेम रहेगा ट्वाइस होगा या थ्री टाइम्स होगा या सिक्स टाइम्स होगा ठीक है तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो जो हमारे पास में यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम क्लोराइड से यहाँ पर हमें नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे ये देखो मैग्नीशियम का एक आयन और दो हमें यहाँ पर क्लोराइड के आयन टोटल थ्री यहाँ पर आयंस हमें मिलने वाले हैं तो पॉइंट मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड जो है यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर ये थ्री टाइम्स शो करेगा ठीक है क्योंकि पॉइंट ज़ीरो वन मोलर सोल्यूशन हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का जो लिया है वो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस हमें थ्री टाइम्स साइंस दे रहा है यानी पॉइंट जीरो थ्री मोलर पार्टिकल कंसनट्रेशन हमें यहाँ पर मिलेगी जिसका मतलब है कि थ्री टाइम्स यहाँ पर जो है हमारा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर इन कंपेरिजन पॉइंट जीरो वन मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन ठीक है तो ये यह हमारा यहाँ पर जो आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट uh, हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बहुत इजी है ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप पढ़ भी चुके हो तो इसमें हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की इन अनराइप मैंगो प्लेसड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स श्रिवल्स बिकॉज तो यहाँ पर हमारे पास में अगर अनराइप मैंगो को हमने कांक सॉल्ट सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा है पिकल बनाने के लिए तो वो जो है वहाँ पर श्रिंक कर जाता है क्यों कर जाता है तो यहाँ पर हमारे पास में फोर चॉइसेस के अंदर हमें इसने फर्स्ट चॉइस में बोला इट गेंस वाटर वाटर गेन करेगा ऑसमोसिस सेकेंड में इट लूज़ वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोस थर्ड के अंदर यहाँ पर कह रहा है इट गेंस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑसमोसिस और फोर्थ में इट लूज़ वाटर ड्यू टू ऑसमोसिस तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये बात यहाँ पर जो है चैप्टर में आपने पढ़ी कि जो श्रिंक होगा यहाँ पर वो श्रिंक क्यों होता है स्टूडेंट्स की हमारे पास में यहाँ पर वाटर का लॉस हो रहा है ठीक है वाटर लॉस होगा तो यहाँ पर हमारे पास में शिकेज होगी और प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रहा है ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स की जब हमारे पास में यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होगा और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा तो वाटर जो है हमारा यहाँ पर कॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको रखा है तो वाटर जो है हमारा वहाँ पर मैंगो स्लाइज में वहाँ वाटर मूव कर जाएगा मैंगो स्लाइज से बाहर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर तो एक्सो ऑसमोस का प्रोसेस हुआ वाटर लूज हुआ श्रिंक कर गया यहाँ पर ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पर एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जैसे कि आपको पता है तो इसमें हमें एक गिवन टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्ग सॉल्यूशन का किसी भी सब्सटेंस का वो क्या होगा हायर देन दैट ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन सेकेंड चॉइस लोअर होगा देन दैट ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन थर्ड चॉइस में इज़ सेम एज दैट ऑफ डायल सोल्यूशन और फोर्थ में कैन नॉट बी कम्पेयर्ड विद द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन तो यहाँ पर स्टूडेंट्स uh, आपको क्या चीज़ uh, ध्यान रखनी है कि जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से जो हम रिप्रजेंट करते हैं वो किसके इक्वल होता है पाई इक्वल टू सी आर टू ठीक है सी आर टी तो यहाँ पर पाई इक्वल टू सी आर टी होता है जिसमें सी क्या है हमारे पास में कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आर इज़ अ गैस कॉन्स्टेंट टी इज़ द टेम्परेचर और इस इक्वेशन से हमें यहाँ पर ये पता चला कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्ग सोल्यूशन का अगर हम देखें यहाँ पर किसी भी गिवन टेम्परेचर पे वो हमेशा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट सोल्यूशन क्योंकि हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन या कंसनट्रेट सॉल्यूशन के अंदर कंसनट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा है इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी वहाँ पर ज़्यादा होगा सॉल्यूट पार्टिकल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर से तो यहाँ पर ये हमारे पास में यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है यहाँ पर वैल्यूज ऑफ वॉन्ट फैक्टर्स ऑफ के सी एल एन सी एल एंड एन टू एस ओ फोर और के टू एस ओ फोर रिस्पेक्टिवली हमारे पास में यहाँ पर फोर ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स और हमें वैल्यूज़ और वांट ऑफ फैक्टर्स को यहाँ आपस में कंपेयर करना है तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में कौन से के सी एल एन ए सी एल एन ए टू एस ओ फोर या के टू एस ओ फोर कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हो दोनों में से और इनकी वॉन्ट ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू को कंपेयर करोगे आप के सी एल को अगर देखिए स्टूडेंट्स तो के सी एल जो है कौन से आयंस में स्प्लिटअप होता है के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में एन ए सी एल एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव लेकिन अगर हम यहाँ पर के टू एस फोर को देखिए पोटेशियम सल्फ़ेट को तो वो हमें यहाँ पर टू आयंस देगा के पॉजिटिव के और एक आयन देगा सल्फ़ेट का यानी थ्री आयन्स में स्प्लिट अप हुआ के टू एस ओ फोर तो वॉन्डा फैक्टर की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या हो जाएंगी हमारी ये के सी एल के लिए टू आइन्स एन ए सी एल के लिए टू और के टू एस ओ फोर के लिए थ्री टू टू एंड थ्री बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ठीक है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है ठीक है तो आ, हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर जो है ऑप्शंस दी हुई हैं ए बी सी डी और हमें फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है सबसे पहले तो हमारे पास में जो ए ऑप्शन है वो देखें टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ़ सुक्रोज ऑफ़ सेम मुलालिटी अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं हमने जिनकी मुलालिटी सेम है लेकिन हमने उन्हें डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर प्रिपेयर किया है तो क्या उनका सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा फर्स्ट ये ऑप्शन है सेकेंड देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का जो है वो हम इज़ इक्वल टू सी आर टी की इक्वेशन से देते हैं थर्ड है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर पॉइंट जीरो वन मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ़ बेरियम क्लोराइड के सी एल सी एस सी सी ओ एच एंड सुक्रोज तो यहाँ पर इन चार सॉल्यूशंस के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का तो so, uh, यहाँ पर हमने अगर जितने सॉल्यूशंस इस ऑप्शन में दिए हैं इनकी कंसंट्रेशन पॉइंट जीरो वन मोलर सॉल्यूशन ली है ठीक है और हमें यहाँ पर इनके ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम इसको इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे बी ए सी एल टू का सबसे ज़्यादा उसके बाद के सी एल फिर सी एच थ्री सी एच फिर सुक्रोज अभी इस ऑप्शन को देखो यहाँ पर ये यह सही है या गलत और नेक्स्ट uh, है हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द राउल्स ला वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी ऑप्शंस को देखें तो हमारी डी uh, ऑप्शन देखो राउंड्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर वोलाटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन से ये सही है स्टेटमेंट और ऑप्शन सी जो है यहाँ पर जिसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर कंसनट्रेशन इन सभी सोल्यूशंस की यहाँ पर सेम रखें तो हम यहाँ पर इनकी नंबर ऑफ आयंस देखेंगे स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर तो बेरियम क्लोराइड के अंदर नंबर ऑफ आयंस थ्री आ रहे हैं ठीक है सुक्रोज हमारा यहाँ पर आयनाइज ही नहीं होगा तो ये ऑर्डर हमारा यहाँ पर सही है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पर ये हमारे लिए सही है ठीक है नेक्स्ट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हम यहाँ पर देखें किस इक्वेशन से हम जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं तो पाई इज इक्वल टू तो सी आर टू सी आर टी ये भी सही है इक्वेशन यानी कि बी ऑप्शन भी सही है अभी ए ऑप्शन देखो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है कि टू डिफ़रेंट सॉल्यूशंस हमने सुक्रोज़ के सेम मुलाटी के प्रिपेयर किए हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर तो क्या उनका सेम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारी गलत है स्टूडेंट्स क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट सॉल्वेंट्स में प्रिपेयर करने पर सेम डिप्रेशन नहीं होगा फ्रीजिंग पॉइंट में तो ए स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर फॉल्स है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैल्यू ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट के एच वो इंक्रीज़ करती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर in के साथ में डिक्रीज़ करेगी इंक्रीजिंग टेम्परेचर in के साथ कॉन्स्टेंट रहेगी या पहले इंक्रीज़ करेगी फिर डिक्रीज़ करेगी तो इसके अंदर हमारे पास में स्टूडेंट्स हैंनरीज कॉन्सटेंट जो है वो हम किस इक्वेशन से बताते हैं कि पी ए इज़ इक्वल टू के एच टू एक्स ए यानी कि हमारे पास में यहाँ पर हायर टेम्परेचर पर जो मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू है वो हमारे पास में क्या होगी कम होगी इस वजह से सेम पार्शियल प्रेशर अगर हम यहाँ पर देखें के एच की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी ज़्यादा होगी ठीक है ये बात समझ में आई कि हायर टेम्परेचर पर के जो हमारा मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी और मोल फ्रैक्शन और यहाँ पर के एच जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम है तो सेम पार्शियल प्रेशर रखते हुए यहाँ पर के एच हैंज कॉन्सटेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी सेम उसी तरीके से हमारे पास में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि वैल्यू ऑफ़ हैंनरीज कॉन्सटेंट के एच वो हमारे यहाँ पर क्या होगी ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सॉलिबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेज़ तो यहाँ पर ये फोर ऑप्शंस है तो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट क्या होगी यहाँ पर अभी इसके अंदर भी सेम वही लगाने हैं स्टूडेंट्स हमारे को जो पॉइंट हमारे पढ़ा कि लोअर द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन यहाँ पर हमारे पास में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर हैंनरीज कॉन्सटेंट की वैल्यू हो जाएगी अगर हम पार्शल प्रेशर को सेम रखेंगे ठीक है तो हमारे पास में ऑप्शन बी जो है वो होगा स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन की वैल्यू ऑफ हैंनरीज कॉन्सटेंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज मोल फ्रैक्शन एंड हैंनरीज कॉन्सटेंट वैल्यूज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अदर जी यहाँ पर स्टूडेंट्स वी हैव थ्री एक्वा सोल्यूशन ऑफ़ एन ए सी एल लेबल्ड एस ए बी एंड सी विथ कंसंट्रेशन पॉइंट वन मोलर पॉइंट जीरो वन मोलर एंड पॉइंट जीरो जीरो वन मोलर रिस्पेक्टिवली वैल्यू ऑफ वॉन्टो फैक्टर फॉर दिस सोल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर। तो अभी इसके अंदर हमारे पास में ए बी सी जो हैं वो थ्री डिफरेंट कंसनट्रेशन के हमने यहाँ पर सोल्यूशन लिए हैं पॉइंट वन पॉइंट ज़ीरो वन एट पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन मोलर रिस्पेक्टिवली अभी इन तीनों मोलर molar, मोलैरिटी uh, के जो हमने यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन एन ए सी एल के लिए हैं तो वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है यहाँ पर इनकी किस ऑर्डर में वेरी करेगी ठीक है उनको अरेंज किया हमने यहाँ पर चारों ऑप्शनस में तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पर बताना होगा स्टूडेंट्स इसमें भी आपने वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है स्टूडेंट्स की हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स वांट ऑफ फैक्टर जो है जब आ, हमारे को वफ फैक्टर को कंपेयर करना है कंसंट्रेशन के साथ में तो जब कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्यूशन की सेम आ, यहाँ पर हमने एक्वा सॉल्यूशन सेम कंपोनेंट का लिया है तो कंसंट्रेशन जब ज़्यादा है तो वांट फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स उसके लिए कम होगी ठीक है पॉइंट वन मोलर जो हमारा ए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है तीनों के अंदर तो इसके लिए वांट फैक्टर की वैल्यू क्या होगी कम होगी तो ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्या हुआ ये करेक्ट ऑप्शन हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन और वांट ऑफ फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि सपोज अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कंपेयर करें तो पाई इज इक्वल टू आई इन टू सी आर टी यानी कि आई और आई जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है और कंसनट्रेशन जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्टूडेंट्स ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास में यहाँ पर थ्री uh, जो है हमारे को यहाँ पर uh, जो है इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स ठीक है ये तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे ही हमें यहाँ पर फिर चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को बताना है फर्स्ट देखो यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि ब्रोमो इथेन और क्लोरोइथेन के मिक्सचर में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ए ए कॉम्पोनेंट और बी बी टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट के अंदर सेम होंगी जितनी कि ए बी टाइप ऑफ इंटरैक्शंस होंगी ठीक है ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन इनके अंदर ए ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन जो कि दोनों को मिलाने के बाद बनेंगी वो सेम होंगी इंटरक्शंस ठीक है ए आ, ये ए पॉइंट है हमारा जिसमें इंफॉर्मेशन इसने ये दी है सेकंड में देखो क्या दिया कि इथेनॉल और एसिटोन का मिक्सचर है इसके अंदर ए ए और बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉगर होंगी ए बी इंटरेक्शन यानी अगर हम इथेनॉल और एसिटोन को मिक्स करते हैं तो इंटरक्शन जो हैं यहाँ पर आ, पहले वाली जो इंटरेक्शन्स सॉल्वेंट के अंदर थी वो ज़्यादा थी मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन्स कम हो गई यानी ए बी इंटरेक्शन्स यहाँ पर कम है ए ए और बी बी इंटरेक्शन्स जो हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर वो ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है ठीक है ये हमारा इसने यहाँ पर भी जो इसने पॉइंट दिया है इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी थर्ड जो इसने बोला कि क्लोरोफॉम और एसीटोन का मिक्सन लेने पे हमें यहाँ पर ए ए और बी बी टाइप ऑफ इंटर मोलिकुलर इंटरक्शंस यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में वो वीक हैं ठीक है इन दोनों के अंदर इंटरेक्शन्स वीक हैं जो कि किससे वीक हैं जब हम इनको मिक्स करके नया मिक्सचर uh, बनाएंगे वहाँ पर इंट्रैक्शन स्ट्रॉगर होंगी ए बी इंट्रैक्शन जो हैं वो स्ट्रांग होंगे मिक्स करने के बाद में तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई बॉन्ड बन रहा है जब हमने मिक्स किया तो बॉन्ड बना बॉन्ड बनने की वजह से ए बी इंट्रेक्शन जो हैं वो स्ट्रॉगर हैं अभी इसके अंदर हमारे पास में चार ऑप्शन देखो क्या है ये चार ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में पहली ऑप्शन देखो यहाँ पर है सॉल्यूशन बी एंड सी विल फॉलो ला बी और सी सॉल्यूशन यहाँ पर राउल राउल्स ला को फॉलो करेंगे ठीक है अभी हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है स्टूडेंट्स ठीक है तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है बी और सी जो है वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक है बी ऑप्शन देखो क्या है सॉल्यूशन ए विल फॉलो राउल्स लॉ सॉल्यूशन ए ब्रोमो इथेन और इथेन मिक्सचर जो है इसके अंदर इंटरमोलिकर इंटरेक्शन ए और बी बी टाइप की वो सेम है ए बी के बराबर हैं तो ये सही है ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है स्टूडेंट सॉल्यूशन ए जो है वो लॉ को फॉलो करेगा ऑप्शन सी देखो यहाँ पर सॉल्यूशन बी विल शो डेविएशन फ्रॉम फ्राम राउल्सला तो इसके अंदर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसने बोला कि बी जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा क्या ला से नहीं वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है यहाँ पर हमारे पास में ए बी इंट्रैक्शन जो बनी है नई इथेनॉल और एसीटोन के अंदर तो पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन हुई है ए बी इंट्रैक्शन जो हैं वीकर हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन ये शो करेगा और हमारे पास में डी जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है कि सॉल्यूशन सी जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो सॉल्यूशन सी जो है क्लोरोफॉम और एसीटोन का मिक्सचर बनाने के बाद में वो नेगेटिव डेविएशन uh, शो करेगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव नहीं शो करेगा तो ये हमारे पास में दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है कि सॉल्यूशन ए जो है वो राउुल्स ला को फॉलो करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं हमारे पास में इफ़ टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉयलिंग एज यू ट्रॉपिक यहाँ पर मिनिमम बॉयलिंग एज यू ट्रॉपिक बना रहे हैं ये एट स्पेसिफिक कंपोजिशन तो हमारे पास में यहाँ पर इसने चार ऑप्शंस दी हैं ठीक है ठीके? चारों ऑप्शन से हमें यहाँ पर देखना है सही ऑप्शन क्या होगी तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर पहली ऑप्शन है कि ए बी इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होंगी ए ए और बी बी से सेकेंड है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज़ करेगा क्योंकि और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड ए और बी के एस्केप कर जाएंगे सॉल्यूशन से ऑप्शन सी के अंदर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज़ करेगा क्योंकि यहाँ पर लेस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड से एस्केप करेंगे और फोर्थ ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स वो है हमारी कि ए बी इंट्रैक्शन जो हैं यहाँ पर वो कम होंगी ए इंट्रैक्शन से और बी बी इंट्रैक्शन से क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है राउट्स ला से तो ये हमारे पास होगी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स की ए भी इंट्रैक्शन जो है वो वीकर होंगी ए ए और बी बी इंट्रैक्शन से क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन ने पॉजिटिव डेविएशन शो करी है राउंडस ला से तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मोस्ट uh, इम्पॉर्टेंट है ना एम सी क्यू सोल्यूशंस चैप्टर यहाँ पर एम सी क्यू सीरीज थर्ड की है बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जो है हम जितने भी एम सी क्यूज़ की सीरीज़ करें स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से उनको रिवाइज़ करें बहुत सभी तरह के एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट एम सी क्यू सीरीज़ में आपसे जल्द ही मिलेंगे टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स